हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपके लिए बताएंगे आप बिजली का बिल किस तरह से बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। साथ ही दोस्तों, आज मैं ये भी बताऊंगा आपकी जितने भी HP की मोटर है वो कितना यूनिट पर घंटे में आपका खर्चा लेगी, और दिन का आपका कितना खर्चा होगा, और महीने में आपका टोटल कितना बिजली का बिल आएगा। दोस्तों, आज लगभग मैं हर एक मोटर के बारे में आपके लिए बताऊँगा, तो दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा। क्योंकि दोस्तों, आज की ये वीडियो है कई लोगों की रिक्वेस्ट पर हम बना रहे हैं, कि कई लोगों का ये सवाल आया था कि हमारे चक्की का बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं या कोई दूसरा कारोबार शुरू करना चाह रहे हैं, तो हमें बिजली का बिल हम कैसे मालूम करें कि हमारा कितना बिजली का बिल बना करेगा हर दिन का या हर घंटे के हिसाब से। दोस्तों, उन सभी की रिक्वेस्ट पर आज की मैं वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपके लिए बता दूं कि मैंने एक ये चार्ट बनाया है। दोस्तों, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये मैंने चार्ट बनाया है, इसमें मैं आपको बहुत बारीकी से समझाऊंगा, और दोस्तों आप वीडियो को थोड़ा गौर से देखिएगा और समझिएगा जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपने अच्छे तरीके समझ लिया दोस्तों, तो बहुत आसानी से आप भी बिजली का बिल निकालना सीख जाएंगे और अपनी मोटर के हिसाब से आप उसका बिल निकाल लेंगे। दोस्तों, आज जो सैंपल के तौर पर मैंने 10 HP की मोटर रखी है, 10 HP की मोटर मैं बताऊँगा कि आप किस तरह से आप इसकी यूनिट को कैसे मालूम कर सकते हैं कि ये एक घंटे में कितना यूनिट ये बिजली के बिल खपत करेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों, एक जो HP होता है, यानी हमारी 1 HP की अगर मोटर है, तो उसका जो वाट होता है वो 746 वाट होता है। दोस्तों, मैं आपको पहले बता दूं, वाट अलग होता है और किलो वाट अलग होता है। वाट छोटा होता है, किलो वाट बहुत बड़ा होता है। तो दोस्तों, 1 HP की मोटर में जो हमारा कितना वाट है, 746 वाट है दोस्तों, और 10 HP की वोट दोस्तों हम इंटू कर देंगे 746 का, क्योंकि दोस्तों 10 HP की मोटर का आज मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों, 10 HP की मोटर में जब हम 746 का इंटू करेंगे दोस्तों, वो आ जाएगा 7460 वाट, यानी जो हमारे 10 HP का जो वाट बन गया है वो है 7460 वाट बन गया है। दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा मैं जिस तरह समझा रहा हूँ। अगर आपको समझ में ना आए तो आप वीडियो को थोड़ा पीछे करके फिर एक बार फिर समझ सकते हैं। मैं आपको ये निशान दिखा रहा हूँ, इस निशान से भी आप समझ सकते हैं कि जो मैं जो आपके लिए बता रहा हूँ वो निशान उसी जगह पर लगा हुआ है। तो 7460 हमारा वाट हो गया 10 HP में दोस्तों। अब दोस्तों, वाट से हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको किलो वाट में। तो दोस्तों, किलो वाट में कन्वर्ट करने के लिए दोस्तों हमें 7460 का जो भाग देना पड़ेगा वो 1000 में देना पड़ेगा। तो दोस्तों, 1000 का जब हम भाग देंगे 7460 में, तो जी बन जाएगा दोस्तों 7.46, यानी 7.46 किलो वाट। तो दोस्तों, 10 HP में जो हमारा कितना किलो वाट हुआ, 7.46 किलो वाट। तो दोस्तों, किलोवाट हमने निकाल लिया है। दोस्तों, अगर जैसे कि आप 10 HP की मोटर को 1 घंटे रेगुलर आप चलाते हैं फुल लोड पर, यानी आप 10 HP की मोटर 15 एम्पियर पर अगर चलाते हैं दोस्तों, तो वो 1 घंटे में जो आपका लोड लेगी वो 7.46 किलोवाट का लोड लेगी। यानी दोस्तों, 7.46 किलोवाट का आप लोड जब इस पर देंगे, तो जो आपका यूनिट का खर्च आएगा वो भी इतना ही यूनिट का खर्च बनेगा, यानी 7.46 यूनिट आपका 1 घंटे में आएगी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको बात समझ में आ रही होगी। अगर समझ में कुछ ना आ रहा हो तो रिवर्स करके एक बार फिर से समझ सकते हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मैं बहुत आसान भाषा में आपको समझा रहा हूँ। अब बात करते हैं दोस्तों, जैसे कि आप 1 दिन में 4 घंटे अपनी मोटर को या चक्की मशीन को जिसको भी आप चला रहे हैं दोस्तों, तो हम इसको 7.46 को 4 में इंटू कर देंगे। आप जितने भी घंटे चलाते हैं उसको आप उतने में कर सकते हैं। जैसे आप 8 घंटे चला रहे हैं तो 8 में इंटू कर सकते हैं, 10 घंटे चला रहे हैं 10 में कर सकते हैं। मैं आज आपको सैंपल के दोस्त पर 4 घंटे आपके लिए बता रहा हूँ। तो दोस्तों, 7.46 को मैं 4 में जब इंटू करूँगा तो ये बनेगा 29.84 यूनिट। यानी आप अगर 1 दिन में 4 घंटे अपनी चक्की को या मशीन को चलाया, तो एक 4 घंटे में आपको टोटल यूनिट कितना खर्च हुआ, 29.84 दोस्तों। और दोस्तों, अब बात करें दोस्तों यूनिट खर्च की, तो मेरे इलाके में दोस्तों 10 रुपये यूनिट का खर्च लगता है मेरा कमर्शियल कनेक्शन में। आप देख सकते हैं अपने यहाँ पर कितना रुपये यूनिट लगता है। कई जगह जैसे आप गाँव में हैं तो और कम लगता है, और जैसे कि आप शहरी इलाके में हैं दोस्तों थोड़ा ज़्यादा लगता है उसमें कमर्शियली कनेक्शन में। तो दोस्तों, 10 रुपये यूनिट के हिसाब से मैंने खर्च जोड़ा है, तो ये बना दोस्तों 298.40 रुपये दोस्तों। यानी मेरा जो 1 दिन का खर्च आया है वो आया है 298 रुपये, यानी लगभग 300 रुपये का खर्च आया है। अब दोस्तों, हम बात करें 1 महीने में कितना बिजली का बिल आएगा, तो इसको हम दोस्तों 30 में इंटू कर देंगे। यानी 1 महीने में 30 दिन होते हैं, तो 30 में इंटू कर देंगे। 30 में गुणा करने पर दोस्तों ये बना है हमारा टोटल 8952 रुपये। यानी दोस्तों, 1 महीने का जो हमारा यूनिट का खर्चा आया है वो है लगभग 9000 रुपये के आसपास। और दोस्तों, इसमें हमारे अन्य खर्च भी जोड़े जाते हैं दोस्तों। कुछ हमारा मीटर का चार्ज होता है, कुछ लेबर चार्ज उसमें जोड़ देते हैं, वो लगभग अन्य खर्च में मैंने 1000 रुपये रखा है। आपको यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा लगता है, ज़्यादा आपका बड़ा कनेक्शन है थोड़ा आपको ज़्यादा भी लग सकता है दोस्तों। तो लगभग 1000 खर्च और मिला के लगभग जो बिजली का बिल बना है हमारा वो 9952 रुपये, यानी लगभग 10000 रुपये का बिजली का बिल बना है हमारा 10 HP की मोटर का, अगर हम इसको दोस्तों 4 घंटे चलाते हैं तो। दोस्तों,
आज की इस वीडियो में दोस्तों मैंने आपको 10 एचपी का मोटर का बिल निकालना सिखाया था। अगर आपकी कम एचपी की या फिर ज़्यादा एचपी की मोटर है तो आप इसको दोस्तों जिस तरह मैंने ऊपर 10 एचपी का गुणा करा है 746 वाट में, आप अपने कम एचपी या ज़्यादा एचपी की मोटर को उससे गुणा कर सकते हैं। और नीचे जिस तरह मैंने आपको बताया उसी तरह से आप अपने हिसाब से जो भी जोड़ बने उस हिसाब से आप इसका जोड़ भाग कर सकते हैं और जो आपका बिजली का बिल निकलेगा वो एंड में आपको खुद पता चल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कोई सवाल डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों बेल आइकन को भी दबा लीजिए। शुक्रिया।